NS400Z का क्या हुआ, एंड अभी हम लोग सिलीगुड़ी में MD15 क्यों नहीं ले रहे, वेलाकुवा में जाके क्यों ले रहे। तो यहाँ पे है ब्लैक, जिससे तो यहाँ पर ब्लैक कलर एंड यहाँ पर व्हाइट कलर, तो दोनों में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ब्लैक ले कि व्हाइट ले। तो ऐसे है यामा शोरूम वेलाकुवा का। तो हम लोग जो है ना सिलीगुड़ी से ना लगभग, तो सिलीगुड़ी से ना लगभग हम लोग 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतना दूर आया भाई। अनबॉक्सिंग। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लोग टाइम अभी लगभग 11:53 12 May 2024। तो वे लोग अभी आज का वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर आपको पता लग गया कि आज का वीडियो ना क्या चीज़ का ऊपर है। लोग निकल चुके हैं, तो सुबह का एक्चुअली हम लोग जाने वाला था 11:30 बजे, तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया। तो मौसम देख लो अगर पूरा एकदम क्लाउडी होकर रखा है, एंड ऊपर से हम एकदम पूरा राइडिंग जैकेट पहन लिया। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं एंड चलते चलते मोटर ब्लॉग में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ कौन से शोरूम में जा रहे हैं फिलहाल अभी, तो लेट्स गो, निकलते हैं। बहुत टाइम लेट हो चुका है, तो अपना बैग निकाल चुके भाई, लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि लेट हो चुके हैं बहुत। 11:30 बजे निकलने का बात था, अभी 11:45 बज रहा है अभी, एंड अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ना आज जो है ना थोड़ा सा सिलीगुड़ी सिटी से थोड़ा सा बाहर जाएंगे बाइक की डिलीवरी लेने। तो आज का वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया चाहिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिलहाल अभी। तो हम लोग जाएंगे यामा शोरूम एंड थोड़ा सा सिटी से ना बाहर जा रहे हैं। तो नाम देखा है क्या लिखा है? हाँ। इधर 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 नहीं दिखा क्या? इधर इधर नाम है क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब लिखा हुआ है। नाम क्या लिखा हुआ है? हाँ यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम क्या लिखा हुआ है? चलो तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी देख सकते हो बारिश का जो बूंदे है ना गिर रहा है अभी। बस अपना खाली अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाए एंड फिर बारिश आ जाए ना तो ठीक है। बस अभी आगे जाके ना हमको थोड़ा सा फ्यूल अप करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक में नहीं है फ्यूल। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वेलाकुवा साइड में, तो वेलाकुवा का वहाँ पर यामा शोरूम पे जा रहे हैं, वहाँ पर जाके बाइक की डिलीवरी लेंगे। सिलीगुड़ी में भी यामा शोरूम है, तो सिलीगुड़ी में क्यों ले रहे हैं तो सब कुछ बाद में बताएंगे। पूरा बहुत सारा बात है जो सब कुछ बाद में बताएंगे डिटेल में, तो अलग से वीडियो शूट करके बताएंगे आप लोगों को। मतलब NS400Z का क्या हुआ, एंड अभी हम लोग सिलीगुड़ी में MD15 क्यों नहीं ले रहे, वेलाकुवा में जाके क्यों ले रहे, तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे बाद में बताएंगे। फिलहाल तो अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं एंड आगे जाके फिलअप करते हैं एंड फिर निकलते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना मौसम साथ नहीं दे रहा है। मौसम मतलब कभी भी ज़्यादा हो सकता है बारिश। लेट्स गो गाइस, बारिश हो चुका है स्टार्ट एंड अभी हम लोग है अपना बाईपास में ही, इधर ही है घर का पास में ही है भाई। तो टाइम भी लगभग 1:30 बज रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो टाइम भी बहुत वो हो चुका है। तो पता नहीं अब कब पहुँचेंगे पता नहीं, लेकिन टाइम बहुत वो हो चुका है भाई। एंड रोड देख रहे हो, रोड का कंडीशन गोप्रो को ना खोलना पड़ेगा आप लग रहा है हमको, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। गोप्रो को रिक्स में नहीं डालेंगे, अगर लेने का देने पर जाएगा ना तो फिर भाई हो गया, टाटा टाइप हो जाएगा अपना। तो अभी फ़िलहाल अभी जाएंगे हम लोग फ्यूल पंप, पहले सबसे पहले फ्यूल डालेंगे। फ्यूल डालने से पहले ना हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखना पड़ेगा क्योंकि बारिश में ना भीग के जाना पॉसिबल नहीं है इतना दूर, राइडिंग जैकेट पूरा भीग चुका है। बस अपना गोप्रो भाई कुछ जा हो भाई, खाली गोप्रो को ढकना पड़ेगा लग रहा है। तो गाइस सभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए, तो यहाँ पर देख सकते हो अपना बाइक, एंड बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कब रुकेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन भयंकर वाला बारिश हो रहा है, तो जैसे ही रुकेगा ना वैसे ही निकलेंगे, क्योंकि हम लोग ना रेनकोट भी नहीं लाया, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। एंड अपना भी अभी अपना ना गोप्रो भी खोल दिया, तो गोप्रो वोप्रो सब कुछ खोल दिया, अभी बस बारिश रुकने का वेटिंग है। तो बारिश जैसे रुकेगा ऐसे निकलेंगे एंड यहाँ से लगभग ना अभी हम लोग घर का इधर ही है, घर का पास में ही है, अभी बहुत दूर जाना है, डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है। तो देखते हैं कब पहुँचेंगे, जैसे पहुँचेंगे ऐसे मिलेंगे आप लोग साथ, पहुँच के फिर बात करते हैं आप लोग साथ। 2 hours later. तो गाइस लगभग 2:35 एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर वेलाकुवा यामा शोरूम पे। तो एक्चुअली ना आज यामा शोरूम जो ना शोरूम तो बने आज, लेकिन
हम लोग के लिए फिलहाल खोल के रखा है ये लोग, मतलब ऐसे तो बंद है, आज संडे है बोल के, लेकिन अभी स्पेशली हम लोग के लिए खोला गया। एंड मेरा अपना बाइक, तो मोटर ब्लॉगिंग से मोटर ब्लॉगिंग ना बन चुका था, मतलब मोटर ब्लॉग तो बंद कर दिया था। एंड फिलहाल अभी ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, तो यहाँ से सीधा बाइक लेंगे एंड बाइक लेके ना निकलेंगे। MT15 के बारे में ना कोई भी अगर बात होगा ना, इंक्वायरी एंड कोई भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करके बता देना, वो भी वीडियो आ जाएगा। एंड अभी फिलहाल तो बाइक की डिलीवरी लेते हैं एंड फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी चलते हैं अंदर एंड अंदर जाके आप लोगों को बाइक दिखाते हैं। तो यहाँ पे है ब्लैक, जिससे तो यहाँ पर ब्लैक कलर एंड यहाँ पर व्हाइट कलर, तो दोनों में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ब्लैक ले कि व्हाइट ले, तो देखेंगे इससे क्या होता है। एंड ब्लैक जो है ना पूरा शाइनी ब्लैक है, मस्त है अभी। एंड ये भी अच्छा ही है, इसका कुछ ऐसा है। इसका DRL भाई एकदम मस्त। तो वैसे है यामा शोरूम वेलागोबा का, तो हम लोग जो है ना सिलीगुड़ी से ना लगभग हम लोग 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतना दूर आया भाई सिलीगुड़ी से, मतलब MT15 लेने के लिए यहाँ पर। तो एक्चुअली क्यों आया, क्यों मतलब क्या NS 400Z का क्या हुआ एंड MT15 क्यों लिया, तो सब कुछ बात में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्या है क्या नहीं है एंड इतना दूर मतलब डिलीवरी लेने का क्या रीज़न है, तो सब कुछ ना अलग से एक वीडियो बना के शूट करके आप लोग बताएंगे। फिलहाल तो अभी बाइक का डिलीवरी लेते हैं एंड बाइक का पेपर प्रोसेसिंग चल रहा है अभी अंदर, तो बाइक का पेपर वर्क चल रहा है अभी, तो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद ना अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अपना बाइक आ चुका है यहाँ पर, जैसे तो आप लोगों का बाइक आ चुका है पूरा वॉश होके, अभी पॉलिश करना है, शायद सब पॉलिश करेगा एकदम पूरा, एकदम बारिश पूरा एकदम क्लीन करके लाया है अभी थोड़ा, शायद पॉलिश करेगा शायद अभी पूरा, जैसे तो वॉश हो चुका है अपना बाइक। अनबॉक्सिंग, बाप रे बाप, नया एकदम फ्रेश चंडीगढ़। रास्ता तो तो अभी हो रहा है बारिश खतरनाक वाला एंड अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, तो जब तक बारिश नहीं रुकेगा ना तब तक नहीं निकलेंगे, क्योंकि नहीं तो राइडिंग जैकेट ना पूरा भीग जाएगा, तो इसलिए निकलेंगे नहीं, तो वेट करेंगे जब तक बारिश नहीं होता है, तो बारिश रुके ना तब निकलेंगे यहाँ से एंड देखते हैं कब बारिश रुकेगा। एंड अपना बाइक जो है ना वॉश करके रखा था घर में, मतलब 3-4 दिन से बाइक वॉश करके रखा था घर में एंड अभी फिलहाल आज तो पूरा एकदम खत्म हो गया, कल रात को ही निकला था एक्चुअली बाइक एंड फिर से धुल गया बाइक, लेकिन पूरा गंदा हो चुका है पूरा एकदम, चेन ची क्लीन करके रखा था लेकिन सब खत्म हो गया। तो देखते हैं बारिश कब रुकेगा, बारिश जैसे रुकेगा फिर निकलेंगे यहाँ से। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। A few moments later. तो इस तरह से बारिश कम हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड ये रहा हम लोग का बाइक लेके निकलेंगे अभी। एंड इसमें जो है ना गोल्डन कलर का USD फोक्स देखने को मिलता है, तो इसका जो फुल डिटेल रिव्यू जो ना अलग से हम वीडियो शूट करेंगे, इसका फुल डिटेल रिव्यू अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड अभी तो फिलहाल तो बाइक लेके ना निकलते हैं यहाँ से, बारिश थोड़ा सा कम हो गया निकलते भाई यहाँ से। एंड ये वाला कलर लेने का रीज़न क्या है क्या नहीं है, तो उसको डिटेल में बताएंगे बाद में। एंड फिलहाल तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं एंड भाई एकदम प्यारा सा, एंड सिरूर से लगभग हम लोग 30 किलोमीटर जैसा दूर आया ये MT15 लेने के लिए, क्या इसका भी रीज़न है बहुत सारा। तो एक्चुअल में सिलीगुड़ी में जो ऑन रोड प्राइस है ना उसका थोड़ा सा ना यहाँ पर कम मिल रहा है हम लोग को, एंड इसमें जो है ना यहाँ पर बहुत सारा ऑफर में मिल रहा है, जैसे कि हम लोग को फ्यूल मिला फ्री में, फ्यूल भी इसमें आप लोगों को इंक्लूड मिला फ्री, मतलब शायद यामा शोरूम से ना इतना फ्यूल नहीं देता है, यहाँ पर 5 लीटर जैसा फ्यूल दिया है हम लोग को यहाँ पर। एंड थोड़ा सा दूर में आया, बस यही दिक्कत है एंड यहाँ पर प्राइस भी थोड़ा सा कम मिला हम लोग को, बस यही रीज़न है। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग अभी एंड चलो निकलते भाई यहाँ से, लेट्स गो। एंड अपना बाइक जो है ना फिर से वॉश हो गया है, लेट्स गो। लेट्स गो। इस साइड का जो रास्ता है ना भाई, इस साइड का रास्ता मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है ना एकदम नेक्स्ट लेवल का, एकदम
खुला खुला मिलता है, एकदम मस्त मज़ा आता है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। तो हम जैसे कि लास्ट टाइम लास्ट वाला वीडियो में बोला था, हम हर संडे को जो ना एक अलग से व्लॉग शूट होगा, तो हर संडे को थोड़ा सा व्लॉग आएगा। एंड नॉर्मली जो रिव्यू वीडियो शूट होता है वो तो आएगा ही। भाई MT15 का ऊपर क्या वीडियो चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अपना घर में भी आ चुका है MT15 नया, तो इसमें आप लोगों को क्या वीडियो चाहिए सब कुछ बता देना कमेंट सेक्शन में, सब कुछ ला देंगे। ये देखो भाई इसको MT15 के साथ रेस। बाप रे बाप, खतरनाक भाग रहा है MT15 भी, देख रहे हैं गाइस। देखो MT15 फुल थ्रॉटल मारा अभी, नया बाइक में फुल थ्रॉटल मारा अभी एंड चमचमा रहा है गाड़ी एकदम। तो गाइस अभी हम लोग रुके हुए कुछ इस तरीके का जगह में, तो यहाँ पर जैसे तो हरियाली चारों तरफ एंड एकदम ये वाला रोड रास्ता जैसा गया हुआ है, तो शायद पता नहीं क्या है यहाँ पर एंड एकदम मस्त सा जगह है जैसे तो, एंड पूरा रोड खाली खाली। तो अगर धूप होता ना तो थोड़ा मज़ा आता, एंड अभी तो फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पर सूरज हमारा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा करके। एंड यहाँ पर हम लोग का बाइक देख सकते हो, यहाँ पर नया दुल्हन MT15 एंड इसका जो सबसे प्यारा हमको ना ये लगा, इसका जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है ना ये मस्त है भाई, एकदम पूरा एकदम दूर से जो है एकदम मस्त लाइट मार रहा है। एंड अपना यहाँ पर देख सकते हो ड्यूक एंड मस्त है भाई, यहाँ पर देख सकते हो इसका भी जो एलॉय है ना, इसका भी मतलब ऑरेंज टाइप का तो नहीं है, मतलब रेड ऑरेंज टाइप का है देख सकते हो यहाँ पर, तो एकदम मस्त। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे, 2-3-4 फोटो ले लेंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे भाई, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम चलाएंगे MT15, एकदम देख सकते हो इसका कंसोल एकदम मस्त है भाई। हाँ एंड ये बाइक जो है ना इतना कंफर्ट है ना बाइक, मेन चीज़ है ये बाइक जो है ना बहुत कंफर्टेबल फील है भाई इसका। ये देखो भाई किल स्विच, इसका किल स्विच इस बार ऐसा है कुछ, लेट्स गो। ये लाइट के लिए एकदम मस्त बाइक है, तो लेट्स गो। अरे बाप रे, उसके इसमें थोड़ा पावर कम लग रहा है हमको भाई, थोड़ा सा बाइक को ना जानना पड़ेगा हमको, सबसे पहले बाइक को थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। एंड इसमें जो ना ये लोग ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा अच्छा चीज़ क्या है पता है, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है इसमें, जो हम मेरा बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। एंड यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, बाइक को पहले हमको समझना पड़ेगा काम कैसे कर रहे हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम आ चुके फिर से अपना ड्यूक पे आ चुके, पुलिस से हम लोग जो ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था भाई, पता नहीं क्यों लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था हमको, अच्छा खासा प्रॉब्लम हो रहा था। वो बाइक एकदम मस्त है, मज़ा भी है बाइक में, लेकिन तो इसमें भाई अलग फील है, उसमें अलग फील है। एंड यहाँ पर इस साइड में ना मस्त दिख रहा है। एंड अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कैरन वाला रोड में, तो हम लोग ना थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है क्योंकि पीछे में जो ना वहाँ पर काम चल रहा है तो घूम के जाना पड़ रहा है। तो हम लोग जाएंगे ये वाला रास्ते से एंड सामने जा रहा है MT15 एंड अभी हम लोग को ये वाला रूट लेना पड़ रहा है इसलिए, तो हम लोग जाएंगे ये वाला रूट से ना, तो ठीक है। एंड अपना जो पूरा राइडिंग जैकेट है, पूरा राइडिंग जैकेट ख़त्म हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ना सारा का सारा है ना MT15 ने छोड़ा है मेरा पीछे। एंड यहाँ पर भी है बैक का, यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो और कुछ ऐसा ही कुछ सीन है। एंड अभी फिलहाल तो घर जाएंगे, घर जाके खाना वाना खाएंगे फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो लोग अभी फिलहाल के लिए नहीं, एंड अभी सीधा चल देंगे घर, एंड घर जाके मिलते हैं, लेट्स गो। तो बस हम अभी है फिलहाल अभी घर में, तो एक्चुअली अभी नहीं मतलब हम लोग आए थे लगभग, हम लोग वहाँ से ना घर आते थे ना हम लोग का 5 बज गया था। एंड वहाँ से ना आकर हम शाम को हम चला गया था सिटी सेंटर, जो उनके बाद में जो ना वीडियो क्लोज नहीं कर पाया था, तो हम सोचा कि अभी क्लोज कर लेते हैं। एंड हम लोग जो ना इतना दूर जाने का ना रीज़न क्या है, तो यहाँ से जो हम लोग सिलीगुड़ी में जो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है ना MT15 का, तो उससे जो ना थोड़ा सा कम मिल रहा है हम लोग को वहाँ पर, मतलब सिलीगुड़ी में आप लोगों को प्राइस पड़ गया यहाँ पर 2,09,000 सिलीगुड़ी ऑन रोड। एंड वहाँ पर जहाँ पर हम लोग ने मतलब डिलीवरी दिया था तो वहाँ पर हम लोग को लगभग 2,02,000 ऐसा कुछ पड़ा। एंड ऊपर से हम लोग को फ्यूल भी मिला वहाँ पर, तो बस मतलब थोड़ा सा ना बहुत मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, पता नहीं मतलब क्या सीन है, मतलब ऑन रोड ना हम लोग को इतना पड़ा तो बहुत कम मिला हम लोग को ऑन रोड वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग यहाँ सिलीगुड़ी से ना वहाँ पर गया। तो बहुत लोगों ना ये सवाल होगा
कि आप लोग जो है ना सिलीगुड़ी में, मतलब सिलीगुड़ी से बाइक वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ का ऑन रोड प्राइस एंड यहाँ का ऑन रोड प्राइस की डिफरेंस है वो तो पता नहीं हम लोग को एग्जैक्ट, लेकिन हम लोगों को जो है ना मतलब सिलीगुड़ी का ऑन रोड प्राइस है, वहाँ का जो ऑन रोड प्राइस है ना बहुत कम मिला, 2,02,000 ऐसा कुछ पड़ गया हम लोग का वो बाइक, मतलब MT15। तो बस आप लोग को तो इसी कारण के लिए हम लोग को वहाँ पर जाना पड़ा डिलीवरी लेने के लिए। किसी दोस्त लोग को ना बुलाया भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ना मतलब सिलीगुड़ी से थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए हम लोग किसी को बोला भी नहीं था। सूखा सूखा डिलीवरी लिया था हम लोग वहाँ पर, तो बस दो जने गया था डिलीवरी लेने के लिए। तो फिलहाल के बार दोनों क्लोज करेंगे, ज़्यादा लंबा खिंचाया नहीं, तो बहुत मतलब बहुत थक गया एक्चुअली। तो लोग आज के फिलहाल कहते हैं, तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड चैनल पर अगर ना अभी तो सब्सक्राइब करना, आपका भाई को सपोर्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।